तो आपके अपने YouTube चैनल वेब राइडर पे स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करें रिलायंस के बारे में कि रिलायंस का जो नेक्स्ट लेवल वो कहाँ तक हो सकता है, रिलायंस कहाँ तक जा सकता है, अप या डाउन। तो हम चार्ट और डाटा दोनों पे बात करेंगे कि रिलायंस के नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, और फैक्ट जो डाटा होगा उसके आधार पर बात करेंगे। फिर हम दिखाएंगे कि हमने रिलायंस में कहाँ पोजिशन बनाया था और किस बेसिस पर बनाया था, वो आपको हम डाटा में दिखाएंगे कि हमने चार्ट और चार्ट में भी। तो दोस्तों ये रिलायंस का वन डे का चार्ट खुला हुआ आप देखें तो रिलायंस में एक जो रैली आई इतना बड़ा सा ओके भाई। आप देखें दोस्त तो ये रिलायंस की ये जो 2020 यानी अक्टूबर 2020 से लेके और लगभग अगस्त 2021 तक यानी 10-11 महीने लगभग क्या ये कंसोलिडेशन फेज में रहा है। आप ये देखें इसका अपर लेवल ये जो था ये इसका अपर लेवल था और ये इसका डाउन लेवल था, यानी लगभग 10 महीने इन्होंने क्या क्या कंसोलिडेट किया एक 200 से 250 पॉइंट का। अगर आप इसके लेवल की बात करें तो इसका जो अपर लेवल था ये दोस्तों 2230 और जो लेवर लेवल था वो 1900, यानी 300 पॉइंट के जो रेंज में रिलायंस ने क्या किया ये क्या एक कंसोलिडेट किया। तो यहाँ क्या ये एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ। आप देखें कि अगर इसमें वॉल्यूम की बात करें तो ये लेवल में थोड़ी वॉल्यूम थी, लेकिन यहाँ जो लास्ट महीने के बाद क्या वॉल्यूम एकदम कम हो गया था यहाँ। और यहाँ आप अगर बड़े करके देखें तो यह जो बाइंग वॉल्यूम है ये बड़ा था। जो भी आप अगर लेवल देखें तो जो भी ये बाइंग की जो जितनी भी वॉल्यूम है ये आप बाइंग वॉल्यूम देखें ये वाली बाइंग वॉल्यूम ये वाली बाइंग ये सेलिंग के वॉल्यूम से क्या था कैंडल बड़ा था इसका। यानी क्या हो रहा था आपको यह पता चल गया था कि यहाँ एक्युमुलेशन हो। अगर आप वॉल्यूम को देखें तो क्लियर आपको आइडिया मिल जाएगा ये क्या हो रहा है। यहाँ हमारा RSI भी जो है एक अच्छा खासा जो है नीचे के लेवल में 40-42 के लेवल में आ गया था। तो आप चाहें तो यहाँ अच्छी तरह ही देख के बाइंग कर सकते थे इस लेवल पे जो कि 1900 का लेवल था। इसके बाद रिलायंस जैसे ही 2200 अपने इस लेवल को ब्रेक किया एक अच्छा खासा इन्होंने रिटर्न दिया। आप देखें 2627-2684 का हाई था ये लेवल पहुंचा रिलायंस का। तो अब अगला लेवल क्या हो सकता है अगर डाटा और चार्ट के आधार पर देखें तो रिलायंस का अगला लेवल क्या हो सकता है। हमने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर किया है रिलायंस में। तो आप अगर ये देखें कि रिलायंस का जो नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि अभी ये जो लेवल है वन का लेवल है 2684। नेक्स्ट लेवल रिलायंस में होगा तो 3172 का लेवल होगा यानी 3180 का लेवल होगा रिलायंस में। तो 3132 का 72 का लेवल आएगा या फिर 2288 का लेवल आएगा, कौन सा लेवल आएगा ये हम आपको डाटा पे और चार्ट पे देखेंगे। तो आप चार्ट की अगर बात देखें तो दोस्तों चार्ट क्या है बुलिश है। चार्ट में जो भी वॉल्यूम आप देखें बायर वॉल्यूम जो बाइंग वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है। जब ये बाइंग वॉल्यूम देखें ये बाइंग वॉल्यूम देखें ये भी बाइंग वॉल्यूम यानी प्राइस एक्शन क्या है बुलिश है। एक अच्छा खासा ये कैंडल जो क्रिएट किया है रिलायंस के द्वारा। तो जैसे ही रिलायंस जो अपना लेवल है 2627-2710 के लेवल को के आगे यानी जब तक 2600 के लेवल को नहीं तोड़ता है रिलायंस 2600-2580 के लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक क्या है रिलायंस बुलिश है। और इसका नेक्स्ट टारगेट हमारा वही 3184 का होगा। तो आप भी जब भी इसके आसपास देखें रिलायंस को बाई करें। कैसे करें इसको हम डाटा पर देखेंगे, बाई करना चाहिए या हमें सेल करना चाहिए इसको हम डाटा के आधार पर देखेंगे। तो आप ये देखें कि रिलायंस में ये जो 2600 लेवल है ये जब तक नहीं टूटेगा रिलायंस में हमें बेरिश नहीं होना है। अगर 2600 का लेवल अगर रिलायंस में टूटता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा जो रिलायंस का होगा वो 2500 का होगा, नहीं तो फिर 2350 का होगा ये लेवल। ये स्विंग तक आएगा रिलायंस अगर ये 2600 का लेवल अगर टूटता है तो नेक्स्ट लेवल रिलायंस में 2500 का होगा या फिर नहीं तो 2350-2340 का लेवल होगा। रिलायंस 2600 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक रिलायंस का टारगेट रहेगा 3180-3150 का। फिर नेक्स्ट लेवल में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। दोस्तों जो हमने रिलायंस में बाई किया था रिलायंस जो कंसोलिडेशन हो रहा था किस लेवल पे आपको हम पीछे की चार्ट दिखाएंगे। तो आप इस प्रकार अगर देखें ये पीछे का चार्ट हमने पहले ड्रॉ किया है तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि रिलायंस में क्या पैटर्न बन रहा था। दोस्तों ये देखें रिलायंस का चार्ट है जो 2019 का लेवल है। रिलायंस एक जो अपमूव किया यहाँ से एक लेवल यहाँ बनाया फिर जाके यहाँ कंसोलिडेट किया फिर नीचे की तरफ डाउन मूव दिया, लेकिन जो डाउन मूव दिया तो नीचे का जो पैटर्न था उस लेवल को रिलायंस ने सस्टेन किया।
रिलायंस ने इस पैटर्न को सस्टेन किया, इस लेवल को नहीं तोड़ा, यानी जो 962 के लेवल था इस लेवल को तोड़ा नहीं, और रिलायंस में ये जो लेवल 1200 का था इस लेवल को सपोर्ट किया, और यहीं से रिलायंस क्या हुआ, बाउंस बैक मारा, बाउंस बैक मारा, फिर रिलायंस से एक अप मूव दिया, फिर आके क्या और रिलायंस यहाँ कंसोलिडेट किया। आप ये देखें तो इस लेवल में आके रिलायंस यहाँ कंसोलिडेट किया, तो हमने इस लेवल में पोजिशन बनाया रिलायंस में, यानी जो 1132 का लेवल था, 1100 के पास था, इस लेवल में मैंने पोजिशन बनाया। फिर रिलायंस से एक अच्छा खासा आप मूव आप देखें 1400-1500 का लेवल दिया, फिर क्या किया रिलायंस डाउन मूव की तरफ हल्का हल्का, यानी एक चैनल में चलने लगा, जो डाउन मूव का चैनल है उस चैनल में रिलायंस चलने लगा, और रिलायंस धीरे धीरे डाउन मूव की तरफ आया, लेकिन फिर उस लेवल तक नहीं पहुंचा जो हमारा लेवल था नीचे का, जो 1025 का, उस लेवल तक नहीं पहुंचा। 1197 से ही रिलायंस ने क्या किया, फिर एक अच्छा खासा जंप दिया, तो हमने यहाँ फिर ऐड किया, हमने इस लेवल में फिर ऐड किया, और रिलायंस को ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का फेज था, यहाँ पे हमने रिलायंस को एक निकाला, ये देखें ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज था, यहाँ रिलायंस में क्या हुआ था 2020 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आप इस प्राइस को देखें तो क्या है, यहाँ जो सेलिंग की जो कैंडल थी वो बाइंग के कैंडल से बड़ा था, जो भी सेलिंग कैंडल थी वो बाइंग जो वॉल्यूम है वो बाइंग वॉल्यूम से ज़्यादा था, तो आप इस प्रकार जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को देख के आप बता सकते हैं कि वहाँ कंसोलिडेशन हो रहा, वो डिस्ट्रीब्यूशन का है कि एकोमोलेशन का है। तो हमने अपने रिलायंस को क्या किया 1600 के आसपास, जो यहाँ 1580 के पास एग्जिट किया, और रिलायंस में फिर हम नेक्स्ट लेवल की तरफ अपना पोजिशन देखने लगे। तो आप ये जो कंसोलिडेशन और एकोमोलेशन कैसे होता है और उसमें क्या होता है, अगर इसको सीखना चाहेंगे तो हम इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसमें अच्छा खासा विस्तृत रूप से कंसोलिडेशन और एक्युमुलेशन के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, रिलायंस आप देखें कि जैसे कोविड आया बहुत नीचे आया, और यहाँ से फिर ये एक स्प्लिट हुआ और ऊपर चलना शुरू किया, जब ऊपर चलना शुरू किया तो रिलायंस का नेक्स्ट लेवल जो हुआ आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इन्होंने अगर यहाँ बाइंग किए होंगे, जो इस कंसोलिडेशन फेज में जो एक्युमुलेशन वाला था जो हम आपको दिखाया चार्ट पे, तो इनको क्या करना चाहिए रिलायंस में, जब तक लेवल बता दिया कि 2600 के लेवल, 2600 के लेवल अगर नहीं टूटता है तो रिलायंस का नेक्स्ट लेवल हमारा 3184 का होगा, और 2600 का लेवल टूटेगा तो नेक्स्ट लेवल 2500 या फिर उसको उसके नीचे 2340 का होगा। तो ये रिलायंस का हमारा प्राइस एक्शन हुआ। अगर हम डाटा पे बात करें तो डाटा हमें और क्लियर आइडिया देगा। ये दोनों जो दोस्तों क्या है, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन का जो ऐप है वो खुला है, आप देखें तो रिलायंस का जो SW एनालिसिस है, यानी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेट, ये है क्या है, ये स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ये 12 है। अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ना चाहें कि क्या इसमें स्ट्रेंथ है, तो आप इस पर अगर स्ट्रेंथ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको खुल जाएगा कि इसमें स्ट्रेंथ क्या है, फिर अपॉर्चुनिटी भी खुल जाएगा, ये वीकनेस क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेड क्या है, आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, और इससे आपको एक अच्छा खासा ओवर भी मिल जाएगा रिलायंस में। बाकी आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको क्लियर भी मिल जाएगा कि ये प्रोमोटर क्या है, शेयर होल्डिंग अपना इंक्रीज कर रहे थे, जबकि FII क्या है, डिक्रीज नहीं किए हैं, ये बहुत 25.69 से 20 यानी 5.50 डिक्रीज किए हैं, जबकि म्यूचुअल फंड भी क्या है, अपना इंक्रीज किए हैं। इस प्रकार आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इनका इंक्रीज हुआ है, जो क्लियर भी आपको यहाँ मिल जाएगा कि रिलायंस ऊपर क्यों गया, उसमें कंसोलिडेशन हो रहा था तो कौन जो है कौन पोजीशन बन रहा था। आप देखें दोस्तों कि जब हम 20 की बात करें तो आप देखें उसमें बड़ा प्लेयर क्या है, 2020 मार्च जो है ये, इसमें क्या बड़ा प्लेयर अपना पोजीशन जो है FII है वो इंक्रीज कर रहे थे, देखिए वह कंसोलिडेशन हो रहा था, और ये 24 से ये 25.6 ये अपना क्या कर रहे थे, पोजीशन इंक्रीज कर रहे थे। इवन जो प्रमोटर है वो उन्होंने भी अपना पोजीशन इंक्रीज किया, ये देखिए ये पोजीशन 0.5, 0.4 से 0.5, 0.5, 0.6 ये पोजीशन अपना इंक्रीज कर रहे थे। तो हमें ये डाटा ठीक है, हम आप ये भी कह सकते हैं कि हमको ये तो डाटा तीन महीने बाद मिलता है, लेकिन हम इस चार्ट पे देख लेंगे कि चार्ट पे कंसोलिडेशन हो रहा है या कि एक्युमुलेशन हो रहा है। चार्ट अगर आप देखें तो चार्ट पे आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। दोस्तों ये चार्ट में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जितनी भी ये वॉल्यूम है, ये बाइंग की जो वॉल्यूम है, ये
बढ़ रहे हैं, बाइंग की जितनी भी वॉल्यूम है, बाइंग वॉल्यूम का जो कैंडल है वो क्या है, वो बड़े बड़े कैंडल हैं और सेलिंग से कम है। ये सेलिंग आया है क्योंकि इनको नीचे लगाया फिर बाइंग करने के लिए यहाँ बाइंग हुआ है। तो आप हमको प्रमोटर का होल्डिंग जो होता है वो 3 महीने बाद मिलता है, लेकिन हम इसको चार्ट पे बिल्कुल क्लियर हमको पता चल जाएगा कि एक्यूमुलेशन होना कि डिस्ट्रीब्यूशन होना। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हमने आपको दिखा दिया पीछे कि वहाँ क्या सेलिंग की वॉल्यूम ज़्यादा थी। तो इस प्रकार आप अगर पैटर्न देखें तो यहाँ पता चल जाएगा। अगर आप इसमें और अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं, फिनेंशियल में देखें कि जो नेक्स्ट लेवल है वो रिलायंस में क्या हो रहा है, तो आप इस तरह अगर फिनेंशियल में एनुअल रिपोर्ट देखें तो क्लियर आपको भी मिल जाएगा कि क्या हो रहा है एनुअल रिटर्न में। आप देखें दोस्तों तो ये जो टोटल रेवेन्यू आप देखें ये बढ़ रहा है, ये 57,5,77,595 से 6,10,000 हुआ, फिर ये मार्च में थोड़ा सा कम हुआ, फिर ये क्या हुआ, एक अच्छा टीटीएम जो है जो 12 ट्रेलिंग मंथ है ये क्या इंक्रीज हो रहा है। आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुई भी इंक्रीज हो रहा है, जितने भी ये प्रॉफिट हैं इंक्रीज हो रहे हैं। बाकी आप और रेशियो इसमें जितने भी हैं, एक्सपेंस रेशियो, टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनुअल रिटर्न, ये सब आप बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी आपको अगर बैलेंस शीट देखना है तो बैलेंस शीट आप यहां से देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, ये बैलेंस शीट है। बाकी फिनेंशियल रेशियो भी आप देख सकते हैं, ये कैश फ्लो रेशियो देख सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप इस तरह अगर देखें कि जो हमारा फिनेंशियल रेशियो है इसमें क्या हो रहा है, आरओए देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये सब क्या इंक्रीज हो रहा है, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। बुक वैल्यू क्या है, देखिए बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। तो आप इस तरह ये एनालिसिस इस से कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो टोटल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है ये क्या डिक्रीज होता है, जो इनकी डेप्ट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे थे। तो आप ये इससे एक अच्छा खासा अनुमान निकाल सकते हैं कि कंपनी में क्या स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, कंपनी की स्ट्रेंथ है, कंपनी अपना ग्रोथ करेगी। तो आप इस चीज़ को अदर स्टॉक पर भी चेक कर सकते हैं, जहाँ से आपको अपने स्टॉक जो आपके होल्डिंग में पोर्टफोलियो में होगा आप से वहाँ आपको वहाँ से क्लियर व्यू मिल जाएगा। ये कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो देखें दोस्तों तो बहुत अच्छा, ये क्या है इंक्रीज हो रहा था कैश फ्लो, यहाँ से आप कैश फ्लो बहुत अच्छा इंक्रीज हो, नेट कैश फ्लो आप देखें 2021 में ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बाकी कंपनी अच्छी है। बाकी आप अगर इसको नेक्स्ट लेवल पे हम बात करें कि नेक्स्ट लेवल क्या होता है, हम ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो हमें क्लियर व्यू और मिल जाएगा कि ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है रिलायंस का। तो दोस्तों ये हमारा एटीएम है, इसके पास अगर देखें तो जो कॉल राइटर है हमारा, ये देखिए इन द मनी में पोजीशन अपना क्लोज कर रहे हैं, यानी ये जो राइट करके गए थे ये अपना पोजीशन अच्छा खासा क्लोज कर रहे हैं। जबकि पुट राइटर आप देखिए जो 27,000 यहाँ पे पोजीशन उन्होंने इंक्रीज किया है, इधर भी बाइंग हुआ है हल्का फुल्का, लेकिन ये क्या है एक अच्छा खासा बाइंग हुआ इधर से एटीएम के पास, जबकि ये इन द मनी में क्या है पुट राइटर अपना पोजीशन इंक्रीज कर रहे हैं यानी राइट कर रहे हैं। ये तो मार्केट क्या है, ये जो रिलायंस है रिलायंस को ऊपर ले जाने के लिए ये अपना क्या है पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, इधर जो कॉल राइटर है ये अपना पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप अगर इसको देखें तो क्लियर भी मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। बाकी आप अगर ऊपर हम देखें कि जो 3100-2900 के लेवल पे क्या एक्टिविटी चल रहा है, तो आप 2900 के लेवल पर देखें दोस्तों कि यहाँ क्या है, यहाँ किसी को बड़े प्लेयर द्वारा कॉल बाइंग किया जा रहा है। आप इस पोजीशन को देखें 2740 ये सब पोजीशन पे क्या भाई कॉल बाइंग हो रहा है। आप ये 3000 के लेवल पे देखें तो यहाँ क्या है बाइंग किया जा रहा है कॉल को। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि रिलायंस का जो चार्ट पे पैटर्न दिखा रहा है वो हमें ऑप्शन में क्या हुआ चलिए क्लियर हो गया। तो आप इस तरह रिलायंस के जो चार्ट हैं और डाटा है इससे आपको क्लियर व्यू मिल गया होगा कि रिलायंस का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। बाकी आप दोस्तों जो ट्रेंड लाइन है इस पे इसके जो न्यूज हैं फिनेंशियल एनालिसिस हैं आप इसके बारे में भी अच्छे खासे एनालिसिस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये एनुअल रिपोर्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन क्या हो रहा है रिलायंस में, आने वाले जो कमिंग में रिलायंस में क्या होने वाला है ये सब यहाँ आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो आप इस वीडियो के आधार पर देख सकते हैं कि रिलायंस का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, रिलायंस कहाँ तक जा सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि इसमें हम और क्या आप एनालिसिस कर सकते हैं और इसमें क्या अच्छे से एनालिसिस के लिए क्या और हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें और हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें इसमें क्या और सुधार कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के आधार पर बनाया गया है, इस वीडियो के आधार पर कभी भी आप बाई सेल या होल्ड का पोजिशन न लें। कोई भी बाई सेल या होल्ड का पोजिशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। तो दोस्तों इस प्रकार अगर ये रिलायंस का एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो ज़रूर एक बार लाइक करें। और आप और किस स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि किस स्टॉक का एनालिसिस किया जाए, अगर आप का कोई होल्डिंग में स्टॉक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस पे ज़्यादा अगर व्यू मिलेगा उसमें हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे और एनालिसिस ज़रूर करके बताएंगे आपको कि वो आपका स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन प्रॉफिटेबल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।